Hey Rainbow Family, welcome back to my rainbow world. सो so, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक फ़ाउंडेशन का तो मैं जो फाउंडेशन का रिव्यू करने वाली हूँ वह है लॉरियाल इन्फ्लेबल फ़ाउंडेशन मैं काफ़ी टाइम से इसे सोच रही थी परचेस करने के लिए और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि जल्दी इसका रिव्यू करूंगी आफ्टर यूज़ तो मैंने टू थ्री टाइम इसे यूज़ कर लिया है तो ये राइट right टाइम है आपके साथ इसका रिव्यू करने के लिए क्या मतलब ये कितने टाइम स्टे करता है कौन सी स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा है और कौन सा शेड मैंने परचेस किया है कितने प्राइस में मुझे मिला है ये सब कुछ मैं डिस्कस करूंगी, even, uh, आपको बताऊंगी तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं आपको अप्लाई करके भी बताने वाली हूं तो मैंने अपनी स्किन पे ओनली मॉइस्चराइजर अब तक अप्लाई किया हुआ है तो बिफोर मॉइस्चराइजर मैं प्राइमर अप्लाई करूंगी प्राइमर मैं अप्लाई कर रही हूँ कलर सेंस का तो मैंने प्राइमर लगा लिया और मैं ब्लेंड करने वाली हूँ आज ब्लेंडर से तो क्विक कोई जब भी आप कोई भी फाउंडेशन ओपन करो ना तो सबसे पहले अच्छे से उसे शेक कर लीजिए क्योंकि ना बहुत बार ऐसे होता है ना कि उसका ऑयल जो होता है ना वो ऊपर आ जाता है और फाउंडेशन जो होता है वो नीचे हो जाता है तो ऐसे दो तीन बार मेरे साथ हो चुका है जब से मैं शेक करके ही लेती हूँ और स्पेशली अगर आप मेबलिन का टेंट यूज़ कर रहे हो ना उसके साथ तो बहुत ही दिक्कत होती है पूरा ऑयली निकलने लगेगा तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा तो मैंने अभी आपने देखा है मैंने सिर्फ प्राइमर लगाया है मैंने कुछ भी अपने डार्क सर्कल्स एंड पिंपल मार्क्स हाइड नहीं किए हैं तो लेट्स सी कि ये कितना अच्छा कवरेज देता है आपको बता दूं इसकी जो स्मेल है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि ना कोई आ, हम लोग क्लिनिक में आ गया है इसकी स्मेल मुझे नहीं अच्छी लगी लिटरली सो so गाइज़ मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है एज़ यू कैन सी आप देख सकते हो तो जो क्वांटिटी में मैंने यूज़ किया है तो उसमें अच्छा कवरेज दिया है आप देख सकते हो मतलब मैंने कुछ पिंपल मार्क्स या डार्क सर्कल हाइड नहीं किए हैं तो कवरेज अच्छा देता है मतलब अगर, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करोगे तो और भी अच्छा कवरेज मिलेगा और अगर आप डार्क सर्कल और पिंपल मार्क्स हाइड कर दोगे तो बहुत ही अच्छा मतलब फुल कवरेज देता है आपको क्योंकि वैसे भी हम करेक्शन करते ही है समटाइम अगर आप करेक्शन नहीं करते हो तो वो नो मेकअप लुक कहलाता है और अगर आप करेक्शन करते हो मतलब करेक्टर यूज़ करते हो अपने पिम्पल मार्क्स एंड डार्क सर्कल हाइट करने तो वो एक फ़्लॉलेस पूरा लगता है लुक तो वो चीज़ है और आप देख सकते हो मैट फिनिश भी दिया है इसने बिल्कुल भी ऐसे लग नहीं रहा है कि कहीं से भी ऑयल एक्सेस निकल रहा है और मुझे भी लाइट वेट लग रहा है मतलब ऐसे नहीं लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऑयल एक्सेस निकल रहा है क्योंकि मैंने कम क्वांटिटी में लगाया है मैं ये भी आपको बता दूं। तो सबसे पहले मैं आपको ना पैकेजिंग की बात करूंगी। तो पैकेजिंग मुझे कुछ ऐसे ही रिसीव हुई थी और ये पूरा सील पैक था अच्छे से और यहाँ पे एक स्टीकर था तो स्टिकर मुझे बहुत बहुत गुस्सा आया स्टिकर के ऊपर क्योंकि मेन जो आ, पार्ट था यहाँ पे शो प्रोडक्ट का नाम लिखा था लॉरियाल इन्फलेबल 24 फोर आवर्स मैट कवर वही हाइड हो गया था तो मुझे निकालना पड़ा अभी आपके साथ रिव्यू शेयर करने के लिए तो मुझे ये लगा कि पीछे इतना स्पेस खाली है तो वो वहाँ पर लिख सकते थे या वहाँ पर स्टिकर लगा सकते थे तो वो नहीं किया दूसरी इस पैकेजिंग में और एक चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी है वो ये कि इसमें जो शेड का जो नाम है और नंबर है वो कहीं और मेंशन नहीं है अभी जैसे मैंने स्टिकर निकाल दिया स्टिकर पे मेंशन था मैंने स्टिकर निकाल दिया तो फिर कहीं और मेंशन नहीं है जिसके वजह से मुझे दिक्कत होगी अगर मान लीजिए अगर मैं मेकअप आर्टिस्ट होती या फिर मेकअप आर्टिस्ट मतलब प्रॉपर जो मेकअप करते हैं ब्राइड्स को जाके तो उनके पास बहुत सारे एक ब्रांड के बहुत सारे फाउंडेशन होते हैं अब इसमें शेड नंबर ही नहीं लिखा है तो मैं तो कन्फ्यूज हो जाऊँगी ना अगर मुझे ऑन द स्पॉट कोई शेड ऐसे चाहिए जो मुझे लगता है कि मेरी स्किन से परफेक्ट मैच है तो वो नहीं मिलेगा या तो मुझे लिख कर लगा, रखना पड़ेगा या फिर uh, मतलब मुझे बहुत ढूंढना पड़ेगा वापस से चेक करना पड़ेगा कि हाँ परफेक्ट शेड है कि नहीं तो ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी इस इस पैकेजिंग में तो ये इतनी सारे स्पेस है तो कहीं पे भी शेड नंबर तो इनको लिखना ही चाहिए था तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा दूसरा ये है एस पी एफ़ ट्वेंटी पी ए ट्रिपल प्लस एंड लॉन्ग वेयर मैट फाउंडेशन हाई कवरेज नेचुरल रिजल्ट नेचुरल रिजल्ट जब आप कम फाउंडेशन लगा रहे हो जैसे अब मैंने लगाया तो नेचुरल रिजल्ट लग रहा है अगर आप थिक थोड़ा और ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हो तो थोड़ा आपको आ, मतलब हाई ऐसे लगेगा कि हाँ कुछ लगाया है आपने फेस पे अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है लाइट वेट लग रहा है अदरवाइज आप ज़्यादा लगाते हो तो लगता है उसका रीज़न है ये बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में है एज़ कम्पेयर टू मैंने अब तक जितने फाउंडेशन यूज़ किए हैं ना उसके कंपैरिजन में इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है तो जब भी, भी आप अप्लाई करते हो ना तो ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है अगर आपने परफेक्ट स्किन केयर किया है और अगर आपने प्राइमर ऑयल यूज़ किया है या फिर आपने कोई ऐसा प्राइमर यूज़ किया है जहां पर ऑयल एक्सेस हो तो ही अच्छे से ब्लेंड होगा अभी जैसे मैंने जो प्राइमर यूज़ किया है कलर कलर एसेंस का वो प्राइमर मतलब थोड़ा है ना ऑयल एक्सेस ज़्यादा लगता है मुझे इसकी वजह से मैंने उसे यूज़ किया ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो तो इजीली ब्लेंड हो गया लेकिन अगर आप आ, शुगर का यूज़ करते हो क्योंकि मैंने सबसे पहले शुगर का ही अप्लाई किया था प्राइमर जब मैं मुझे मेकअप करना था तब मैंने ब्लेंडिंग करने की कोशिश की थी बिल्कुल ब्लेंड नहीं हो रहा था क्योंकि शुगर का जो प्राइमर है ना वो बहुत अच्छा है ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए वो ड्राई टच देता है लेकिन वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा था फिर मुझे उसको रिमूव करना पड़ा देन मुझे फिर प्राइमर ऑयल यूज़ करना पड़ा प्राइमर ऑयल के बाद ये बहुत अच्छे से ही ब्लेंड हुआ था तो प्राइमर ऑयल वैसे भी बहुत ऑयल उसमें होता ही है प्राइमर ऑयल नाम ही है तो वो आप लगाते हो तो बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग होगी क्योंकि ये ना टरली मैट फिनिश देता है लिटरली आपको परफेक्ट ऐसे फेस पे ऐसे लगेगा हाँ मैट है तो अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो आप इसके लिए नहीं जा सकते हो विंटर में तो बिल्कुल नहीं जा सकते हो समर में आप जा रहे हो तो अच्छा स्किन केयर कर रहे हो तो आप जाइए विंटर में तो बिल्कुल भी मैं कह रही हूँ बिल्कुल भी नहीं जा सकते आपकी 40 -40 हो आपकी स्किन फटी फटी फील होगी अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी ये फाउंडेशन क्योंकि ये लिटरली मैट फिनिश देता है और अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन वाले हो मेरी तरह तो आप जा सकते हो अगर आप जो ऑयल प्राइमर है वो प्राइमर ऑयल यूज़ कर रहे हो या फिर प्राइमर जो जिसमें प्राइमर में ऑयल एक्सेस हो वो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपका फाउंडेशन अच्छे से ब्लैंड होगा तो आप इसके लिए जा सकते हो या फिर मैं और एक चीज़ करती हूँ मैं दो फाउंडेशन मिक्स करती हूँ मतलब एक तो टेंट मिक्स करती हूँ इसमें जो मेबलिन का टेंट है उसको मिक्स करती हूँ और प्लस इसको मिक्स करती हूँ तो वो परफेक्ट बैलेंस देता है मतलब काइंड ऑफ विंटर में मुझे डुई लुक चाहिए होता है तो वो डुई लुक देता है ना फिर ऑयली होता है ड्राई हो जाता है और डू फिनिश देता है और जो कि मुझे अच्छा लगता है विंटर में तो ये उसके लिए आप जा सकते हो तो कॉम्बिनेशन स्किन वाले जा सकते हो ऑयली स्किन वाले आप लोगों के लिए बेस्ट बेस्ट फाउंडेशन है अगर आप ढूंढ रहे हो मैट फिनिश वाला तो आप इसके लिए गो फॉर इट मतलब आप इसके लिए आग बंद करके जा सकते हो क्योंकि ये ऑयली फिनिश वालों को ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना ऑयल एक्सेस नहीं देगा बिल्कुल भी नहीं देगा क्योंकि मैंने अभी थोड़ा देर ज़्यादा हो गया है लगाया आप देख सकते हो बिल्कुल भी ऑयल एक्सेस नहीं निकल रहा है और बिल्कुल ऐसे फील भी नहीं हो रहा है आराम से मैं ऐसे हाथ भी लगा सकती हूँ नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑयल एक्सेस निकलने लगता है आप ऐसे हाथ लगाओ तो पूरा ऑयल निकलने लगता है तो ये आप इसके लिए जा सकते हो ऑयली स्किन वाले तो मैं इसके लिए ऑयली स्किन वालों को कहूँगी मतलब आग बन करके के आप इसके लिए चले जाइए अगर आपको फाउंडेशन सही आपका पता है अगर नहीं भी पता है तो आप एक लाइट शेड चले जाइए एक डार्क शेड चले जाइए और मिक्स करके लगा लीजिए आपके लिए बेस्ट फाउंडेशन है देन मैं बात करूंगी ना बहुत पैक मतलब मैन्युफैक्चर कहा हुआ है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट पे लिखा है मेड इन चाइना तो जब भी मेड इन चाइना मैं देखती हूँ ना तो थोड़ा टेंशन होने लगती है यार मेड इन चाइना मेड इन चाइना क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट और ओरिजिनल प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होती है जहाँ पे आप मतलब आपको अगर पता नहीं है बिल्कुल भी मेकअप के बारे में नॉलेज नहीं है कि कहाँ से परचेस करना चाहिए और आपने परचेस कर लिया कोई लोकल मार्केट से या लोकल शॉप से तो आपके साथ ये फ्रॉड हो सकता है तो आप इस बात का ध्यान रखिए उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है कैसे आप डुप्लीकेट और ओरिजिनल प्रोडक्ट पता करें और कैसे आप अपने स्किन के हिसाब से फाउंडेशन ले तो वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आप उसको डू चेकआउट गाइड्स अगर आपको कोई फाउंडेशन खरीदना है और आपको समझ नहीं आ रहा है और अगर आपने ऑलरेडी ख़रीद लिया है आपको ये जानना है कि वो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है तो भी आप उसको जरूर चेक करिए उस वीडियो को जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर मैं इस वीडियो में देने लगी तो लंबी हो जाएगी वीडियो तो जैसे यहां पे लिखा है मेड इन चाइना तो मेड इन चाइना तो आप घबराइए मत मैंने इसका पूरा रिसर्च किया तो मुझे पता चला ये एक्चुअली फ्रांस बेस्ड कंपनी है लेकिन इसके कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं चाइना में भी इवन इंडिया में भी होते हैं तो इस बात के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए अगर मेड इन चाइना लिखा है तो कब आपको दिक्कत हो सकती है मेड इन चाइना का तो मैं नहीं कह रही हूं लेकिन कौन सा डुप्लीकेट प्रोडक्ट है वो आपको कैसे पता चलेगा उस वीडियो में जाके आप चेक करिएगा जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है कि ये डुप्लीकेट है क्या ओरिजिनल है क्योंकि कुछ कुछ ऑनलाइन में भी मैंने सुना है ऑनलाइन में भी हो रहा है जैसे अमेजोन से अगर आप करते हो नायका से भी अभी सुनने में आ रहा है मेरा एक्सपीरियंस नायका के साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है मुझे ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ही आया है क्योंकि सबसे पहले मैं फाउंडेशन जो भी मेरा बेस होता है ना उसको मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ अच्छे से चेक करती हूँ प्रॉपर डेट्स एंड ऑल और प्रॉपर जो है मतलब ये पीछे सब लिखे हुए हैं ना वो प्रॉपर चेक करती हूँ कहाँ से मैनुफैक्चर है क्या है तो क्योंकि स्किन एक बार डैमेज हो जाती है ना मैंने एक बार झेला है इसके वजह से ना मैं पूरा चेक करती हूँ तो काफ़ी लोगों की हैबिट नहीं होती या उनके पास उतना टाइम नहीं होता है तो बहुत मैंने उसमें बताया हुआ है कैसे आपको पता चलेगा डुप्लिकेट एंड ओरिजिनल तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो तो आप मैंने जो परचेस किया है ना ये प्रोडक्ट ये मैंने परचेस किया है मिंट्रा से तो मिंट्रा में मुझे बहुत अच्छी डील में मिला था ये प्रोडक्ट मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना अभी इसमें शेड्स होते हैं तो कुछ शेड्स है ना बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं तो उनकी जो प्राइस होते हैं वो हाई होते हैं और जो शेड इतना नहीं चल रहा है तो वो शेड कम प्राइस में होते हैं तो जैसे मैंने लिया है कैरामिल सैंड टू शेड नंबर तो ये uh, मुझे अराउंड ये एट का फाउंडेशन है लेकिन मुझे मिला है ओनली थ्री हंड्रेड के अंडर आपको मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी अगर आपको सेम शेड लेना हो तो आप इसके लिए जा सकते हो या फिर आप कोई और शेड भी चेक कर सकते हो तो आप आराम से वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको परचेस करना है तो तो डू चेकआउट गाइस अगर आपको कम रेट में चाहिए तो या फिर आप नायका वगैरह से भी परचेस कर सकते हो ऐसे नहीं है ये मुझे कम डील में मिला है तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ तो आप उसके लिए जा सकते हो इसमें जो डेट लिखी हुई है मैन्युफैक्चर वो है 2021 और ये चलेगा जब तो मैंने ओपन किया है उसके बाद 12 मंथ्स तक ही चलेगा तो 12 मंथ ही मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ जैसे मैंने अभी यूज़ किया है नवंबर में में इसे स्टार्ट किया है तो नेक्स्ट नवंबर तक ही चलेगा ज़्यादा इसकी शेल्फ़ लाइफ नहीं है तो थोड़ा वो बुरा लग रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द फाउंडेशन की 36 सिक्स मंथ फोर्टी एट मंथ्स होती है मतलब आफ्टर ओपनिंग मतलब आप मैनुफैक्चर डेट पे कभी मत जाइए इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ कि एक्सपायरी डेट कैसे पता करें या अगर आप भूल चुके हो कि आपका या बॉक्स में मैंशन नहीं है एक्सपायरी डेट तो कैसे आप पता करो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ तो उसको भी एक बार जरूर देखना गाइज जो आपके लिए हेल्पफुली होगी क्योंकि एक्सपायरी डेट और प्रोडक्ट कब एक्सपायर होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन को लेकर क्योंकि बहुत बार इसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज हो जाती है जो हमें पता नहीं होता है कि क्यों हुई है तो वो भी आपको उसका वीडियो भी बहुत जल्द मिलेगा मे बी इस वीडियो के बाद ही मिलेगा तो आप उसको भी चेकआउट करिएगा तो ये मैं ट्वेल्व मंथ तक ही यूज़ कर सकती हूँ और ये जो है ना ये थर्टी फाइव है और इसमें क्लियरली लिखा है मेड इन चाइना जिससे मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है तो ये ओरिजिनल प्रोडक्ट ही है और अगर आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ख़रीदना है आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है ऑनलाइन नहीं समझ आता या आप शॉप पे जाके नहीं समझ आता सबसे अच्छा होता है मॉल में इसके काउंटर्स होते हैं इस सेम ब्रांड्स के तो आप वहाँ पर जाके कर परचेज़ कर सकते हो या ऑनलाइन इसी ब्रांड का जो ऑनलाइन होता है आप वहाँ पर जाके कर परचेज़ कर लो तो आपको ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ही आएगा क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं यार मतलब ऑनलाइन तो से नहीं करना है क्योंकि होते हैं ऑनलाइन में भी स्कैम्स होते हैं तो ऑनलाइन से नहीं करना या आप लोकल शॉप में तो बिल्कुल भी मत करिए बिल्कुल भी नहीं लोकल शॉप कोई ब्यूटी शॉप भी ऐसा दिख रहा है ना आपको लोकल मार अपने आपके आसपास तो वहाँ पे भी मत जाइए सब डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स ही होते हैं मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है मैंने जाके चेक किया है देखा है तो प्लीज़ वहाँ से भी मत करिए ये आपकी स्किन के लिए मैं कह रही हूँ तो आ, मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया इसी वीडियो में तो इस फाउंडेशन को मैं थम्स अप दे रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है और ऑयली स्किन से थोड़ा मैच करती है इसलिए ऑयली स्किन वालों को भी मैं रिकमेंड कर रही हूँ लेकिन मैं ड्राई स्किन वालों को रिकमेंड नहीं कर रही हूँ अगर वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं मैंने जो रिव्यू किया है मेरी स्किन के अकॉर्डिंग किया है तो आई होप ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो अगर रहा हो तो लाइक करिए कमेंट करिए एंड शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय गाइस